नमस्कार दोस्तों, देवर्षि मिश्रा ट्रेनिंग चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, चैनल पे कमेंट करके बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने मुझसे कॉमन क्वेश्चन पूछा और वो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि मैंने इंटरव्यू दिया था, इंटरव्यू के बाद जब एचआर से इंटरव्यू का रिजल्ट जानना चाहा, फीडबैक लेना चाहा, तो एचआर ने बोला कि जॉब ओपनिंग होल्ड पर चली गई है। इसका क्या मतलब है और इस सिचुएशन में मुझे क्या स्टेप्स लेने चाहिए? तो दोस्तों, सबसे पहले तो ये जानने की कोशिश करिए जॉब ओपनिंग के होल्ड पर जाने का क्या मतलब होता है। अगर मैं इसे सरल शब्दों में डिफाइन करूं या कंपनी के शब्दों में डिफाइन करूं, तो जॉब ओपनिंग के होल्ड पर जाने का मतलब होता है कि कंपनी हायरिंग नहीं कर रही है, उसने अपनी हायरिंग प्रोसेस रोक दी है। दूसरा ये भी हो सकता है कि कंपनी ने अपनी हायरिंग कंप्लीट कर ली है इंटरनल रेफरेंसेस के थ्रू, इंटरनल जॉब पोस्टिंग के थ्रू या अपने अन्य रिसोर्सेज से। दोनों ही केसेस हो सकती हैं। कभी कभार जेन्युइन केसेस भी हो सकते हैं, कभी कभार ये रीज़न भी हो सकता है। और आमतौर पर देखा गया है कि अगर कंपनी ने ये बोल दिया है कि जॉब ओपनिंग होल्ड पर चली गई है, तो उसके रीओपन होने के चांसेस बहुत कम होते हैं या ना के बराबर होते हैं। हालांकि एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, तो पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। मेरी एडवाइस आपको ये है कि अगर कंपनी आपसे ये बोलती है, एचआर आपसे ये बोलती है कि जॉब ओपनिंग होल्ड पर चली गई है, तो किसी भी कीमत पर अपना जॉब सर्च मत रोकिएगा। दूसरा इंटेलिजेंट तरीका ये है कि आपको एचआर को तुरंत पूछना चाहिए कि इस जॉब ओपनिंग के रीओपन होने का टाइम फ्रेम क्या है। मतलब क्या ये 1 से 2 वीक में ओपन हो सकती है, क्या पॉसिबिलिटी है? और अगर एचआर आपको ये बोलती है कि कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, इनडेफिनिट टाइम के लिए ओपनिंग होल्ड पर चली गई है, तो आपको पता है आपको क्या करना है। तीसरा स्मार्ट तरीका ये है कि अगर आपके हाथ में जॉब ऑफर है, तो आपको कंपनी को ये बोल देना चाहिए कि आपके हाथ में ऑलरेडी एक जॉब ऑफर है, लेकिन आप इस कंपनी से जॉब ऑफर एक्सपेक्ट कर रहे थे और अगर यहाँ पर आपका सिलेक्शन हो जाता तो यहाँ पर आप ज्वाइन करने की कोशिश करते। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई कैंडिडेट्स के साथ ऐसा होता है कि वो एक बेहतर कंपनी ज्वाइन करना चाहते हैं और कई बार कंपनी ये बोल देती है कि ओपनिंग होल्ड पर है और 1 से 2 वीक बाद ओपनिंग जो होगी वो रीओपन हो जाएगी, और कई कैंडिडेट पुराना जॉब ऑफर छोड़ देते हैं और उसके बाद में ये होता है कि इस कंपनी में भी जॉब ओपनिंग ओपन नहीं होती है, तो पुराना ऑफर भी हाथ से जाता है। तो यहाँ पर क्लियर कर लेना ज़रूरी है एचआर से। अगर ओपनिंग क्लोज हो चुकी है तो एचआर आपको बता देगी कि देर इज़ नो सच पॉसिबिलिटी ऑफ इंक्लूडिंग योर कैंडिडेचर। कंपनी आपसे डायरेक्टली ये बोल सकती है कि आप अपने पुराने जॉब ऑफर के साथ में कंटिन्यू कर सकते हैं, या अगर कोई पॉसिबिलिटी है तो एचआर आपसे ये भी बोल सकता है कि वो मैनेजमेंट से बात करेगी और आपको शायद 1 वीक या 2 वीक में अपडेट करेगी। एक और पॉजिटिव तरीका ये है कि आपको एचआर को बोलना चाहिए थैंक यू सो मच अपडेट के लिए, आप स्टिल इस ओपनिंग के लिए पॉसिबिलिटी देखते हैं और अगर ओपनिंग रीओपन होती है तो आप तैयार हैं, थैंक यू बोलिए और बात ख़त्म करिए। तो ये वो तरीके हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं अगर कंपनी आपसे बोलती है कि जॉब ओपनिंग होल्ड पर चली गई है। लास्ट में फिर से कहना चाहूँगा, किसी भी कीमत पर अपना जॉब सर्च मत रोकिएगा, क्योंकि कंपनी ने ये बोलकर कि जॉब ओपनिंग होल्ड पर चली गई है चीज़ें ऑलरेडी अनसर्टेन कर दी हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लोगों से ज़रूर शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और स्पेशली उन लोगों को इस वीडियो के बारे में ज़रूर बताइएगा जिनके डाउट्स हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। आई विश यू ऑल द बेस्ट गाइज़।